आपका स्वागत है सुराकी लाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज के दिन भर की फटाफट खबरों पर। 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर के मोदी मैदान में पहुंचकर एक विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे रुद्रपुर। हाईस्कूल और इंटर बोर्ड परीक्षाएं हुई संपन्न। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य हुआ शुरू। मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारी जोरों पर। लोगों में दिख रहा उत्साह। वोटिंग परसेंटेज को लेकर चिंता। युवा मतदाताओं को वोटिंग के लिए प्रेरित करने के लिए किए जा रहे प्रयत्न। पूरा गिरी जा रहे श्रद्धालुओं पर पत्थर फेंके जाने से रोष। राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। अद्वैत आश्रम मायावती की 125वीं जयंती के मुख्य अतिथि बने राज्यपाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 7 अप्रैल को लोहाघाट का प्रस्तावित दौरा। नगर में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजने के बाद 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर के मोदी मैदान में पहुंचकर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के जनसभा को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लेने उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर चल रही तैयारियों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देश के जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, ये हमारी पहली नहीं पांचवी जनसभा होगी मोदी मैदान में। कांग्रेस की हिम्मत ही नहीं हुई कि कभी मोदी मैदान में एक रैली करके दिखा सके। तो आप खुद सोच सकते हैं जब हमें हिम्मत दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं ग्राउंड फूल रहा हो। इसकी कोशिश भी करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लाखों की संख्या में कल यहाँ पर आपको लोग। प्रधानमंत्री जी का जैसा नाम बताया, वो देश के नहीं पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। और आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान करने के बाद जो कांग्रेस की थोड़ी बहुत वोट मिलने की उम्मीद थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, राष्ट्र का प्रभारी के रूप में दो लोकसभा देख रहा हूँ, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि हर लोकसभा हम 5 लाख लोगों को प्रति देंगे, उस लक्ष्य को हम पूर्ण करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर पहुंचे जहां उन्होंने 2 अप्रैल यानी कल होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लिया। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 27 फरवरी को प्रदेश में शुरू हुई थी तथा ये परीक्षाएं 16 मार्च को समाप्त हो गई हैं। इनके बाद अब उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का कार्य शुरू हो गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य प्रदेश में बनाए गए 29 मूल्यांकन केंद्रों में 10 अप्रैल तक किया जाएगा। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। वर्ष 2024 की हमारी जो परीक्षाएं हैं वो हमारे कुल हाई स्कूल में 1,16,823 परीक्षार्थी थे और इंटरमीडिएट में 94,914 हमारे परीक्षार्थी थे। और इनकी जो परीक्षाएं हैं वो 16 मार्च को संपन्न हो गई हैं। मूल्यांकन का हमारा कार्य 27 मार्च से और 10 अप्रैल तक प्रस्तावित है और अभी मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। इसके लिए हाई स्कूल में हमारे 1993 परीक्षक लगे हुए हैं और इंटरमीडिएट में हमारे 1581 परीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर रहे हैं। टोटल मिला करके हमारे दोनों वर्गों में 3674 जो है परीक्षक मूल्यांकन का कार्य कर रहे हैं। अभी मूल्यांकन के हमारे 16 केंद्र गढ़वाल मंडल में बने हुए हैं और 13 केंद्र हमारे कुमाऊं मंडल में बने हुए हैं। कुल मिलाकर के हमारे 29 केंद्र हैं। इनमें कल तक हमारे इंटरमीडिएट में 32% उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हो चुकी है और हाई स्कूल में हमारे 30% उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हो चुकी है। हमारा प्रयास है कि जो निर्धारित अवधि है उस निर्धारित अवधि में मूल्यांकन का कार्य हम पूर्ण कर लेंगे और आज से हमारा परीक्षा फल निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। अवार्ड हमारे 29 केंद्रों से परिषद कार्यालय को आ रहे हैं। कल से अवार्ड में अंकित अंकों का फीडिंग का काम भी हम लोग प्रारंभ कर लेंगे। सर, परीक्षा फल कब तक घोषित होने की संभावना? हमारी उम्मीद है कि हम जो हमारा टाइम शेड्यूल है उसके अनुसार परीक्षा फल का निर्माण कर लेंगे और 30 अप्रैल तक
हमारा प्रयास है कि हम परीक्षाफल की घोषणा करते हैं। लोकसभा चुनावी दौड़ शुरू हो गई है। उत्तराखंड में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के रुद्रपुर मोदी मैदान में 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बीते रोज कार्यक्रम को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ गुणा द्वारा भूमि पूजन भी किया गया। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी ने भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भी लोगों में काफी उत्साह है। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। विश्व में सबसे ज्यादा चर्चित नेता और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता माननीय मोदी जी 2 तारीख को रुद्रपुर पधार रहे हैं और कार्यकर्ताओं के अंदर एक बहुत विशेष लगाव उनके प्रति बन गया है और उत्साह भी है। तो बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि उनके दर्शन करें, उनकी विचार सुने, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएं। उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखने का मन देश की जनता ने बना लिया है। मैं बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचने जा रहे हैं और जसपुर विधानसभा से भी बहुत अच्छा प्रतिभाग वहाँ पर होगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लोग पक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारी के साथ ही निर्वाचन आयोग इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में जुटा है, लिहाजा मतदान के प्रति जागरूकता के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। हल्द्वानी में ARO AP वाजपेयी ने नगर निगम की बैडी सेना को बूथ अवेयरनेस ग्रुप से जोड़कर मतदाता जागरूकता अभियान चलाने की मुहिम की शुरुआत की है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, इस बार मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय और जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जिन पोलिंग बूथ पर 2022 में लो वोटर टर्नआउट था और 2019 में जिनमें लो वोटर टर्नआउट था, उन बूथ को फोकस करते हुए वोटिंग परसेंटेज को 75% के एवरेज तक ले जाने का प्रयास किया जाना है। उसी के क्रम में प्रत्येक पोलिंग बूथ के लिए बूथ अवेयरनेस ग्रुप बनाए गए हैं और बूथ अवेयरनेस ग्रुप के माध्यम से जहां हम वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए जो लोग निष्क्रिय हैं उनको मतदान के लिए प्रेरित करते हैं, वहीं एथिकल वोटिंग के लिए भी उनको प्रेरित करते हैं। इसी क्रम में चूँकि हल्द्वानी में बैणी सेना एक नगर क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है, तो बैणी सेना को भी हम लोग बूथ अवेयरनेस ग्रुप का एक सदस्य बना रहे हैं और आज इसी के संबंध में ये बैठक की गई है और उनको ये अवगत कराया गया कि उनके सहयोग से हल्द्वानी विधानसभा के जो पोलिंग बूथ हैं उस पर वोटर अवेयरनेस करते हुए पोलिंग परसेंटेज को किस तरह से बढ़ाए जाए। इन दिनों पूर्णागिरी मेला चल रहा है। 2 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित तिलहर रुजवारी गांव से 27 मार्च को श्रद्धालुओं का जत्था पूर्णागिरी के लिए निकला था। कटिया के रास्ते भक्त माता के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान रात करीब 8 बजे टनकपुर रोड पर एक धार्मिक स्थल की ओर से जत्थे पर पथराव कर दिया गया। वहीं इस बात से नाराज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और अराजक तत्वों पर नकेल कसे जाने की मांग की। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये जो मामला था खडीमा मस्जिद से जो पूर्णागिरी धाम को श्रद्धालु जा रहे थे उसमें इनने पत्थरबाजी की, इस जो पत्थरबाजी की इस वजह से आज हम सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है। पिछले कुछ वर्षों से हम सब देख ही रहे हैं कि जो धार्मिक यात्राओं पर अब मुस्लिमों द्वारा जो पत्थरबाजी चल रही है, ये आज देखते देखते हमारे घर पर यानी कि उत्तराखंड में होने वाले पूर्णागिरी धाम मेले में श्रद्धालु जा रहे थे जो खटीमा में मस्जिद से जिन पर पथराव किया गया है जो एक बहुत ही निंदनीय है, उसी मामले को लेकर आज महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा गया है सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा, जिसमें अब यह मांग की गई है कि ऐसी धार्मिक यात्राओं का या तो सुरक्षा किया जाए या फिर इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे कि ऐसी यात्राओं पर हमारे जो हिंदू हैं, हमारी जो धार्मिक आस्था है, इस पर ठेस ना पहुँचे। 30 मार्च को खटीमा मस्जिद से पूर्णागिरी धाम यात्रा पर पत्थरबाजी करवाई गई थी
जिसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद हल्द्वानी महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए, और ऐसी घटनाएं देवभूमि में दोबारा से न हो इसके लिए उचित व्यवस्था करने के लिए, और पूर्व में ऐसी जो घटनाएं हुई हैं उनको सार्वजनिक करने के लिए हमने महामहिम राज्यपाल से मांग की है ज्ञापन के माध्यम। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अपने दो दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन जनपद के लोहाघाट स्थित स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली अद्वैत आश्रम मायावती पहुंचे, जहां उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य को निहारा। मायावती आश्रम पहुंचकर राज्यपाल ने कहा कि यहां की प्रकृति तनाव मुक्त करने में मददगार है एवं यह आश्रम देश विदेश के लोगों को अध्यात्म की ओर आकर्षित करता है। उन्होंने मायावती में संचालित हो रहे धर्मार्थ चिकित्सालय की सेवाओं व सुविधाओं की भी सराहना की। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण विष्ट की रिपोर्ट। आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। आज मायावती आश्रम जो लोहागढ़ में स्थित है चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, आज 125 वर्ष गांठ मनाई है। आज पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर स्वामी विवेकानंद जी को अत्यंत धन्यवाद दिया है कि उन्होंने इस जगह पे आकर 15 दिन तक मेडिटेशन की थी। उनके जो सोच विचार हैं, उनकी जो धारणा है, जो डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी उन्होंने हमको सिखाई है, उसके ऊपर में हमने आज अध्ययन किया। आज हम सब ने एक संकल्प ही लिया कि उनके बताए गए प्रिंसिपल, सिद्धांत, मार्ग और उनकी सोच विचार धारणा को पूरे विश्व में किस प्रकार से लेकर जाए। उनका जो संदेश है ब्रह्मांड के बारे में, भारतीयता के बारे में, भारतवर्ष के बारे में, मानवता के बारे में, वो इतना गहरा है कि उसकी आज एक अलग ही जरूरत दिखाई देती है। ये जो मायावती आश्रम है ये इतनी सुंदर जगह पर स्थित है जहाँ पर आकर आपको डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी, दिव्यता और भव्यता का अनुभूति होती है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ से आप 370 किलोमीटर्स ऑफ हिमालयस के दर्शन कर सकते हैं, और इस जगह के अंदर में जो वाइब्रेशन है वो अपने आप में अलग है। अगर आप अद्वैत के प्रिंसिपल यानी कि ओम की शक्ति को जानना चाहते हैं, उसकी उपासक हैं और उसको फील करना चाहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड टू एवरी बॉडी इन द वर्ल्ड। मैं पूरे संसार को, पूरे विश्व को, हर भारतीय को इनवाइट करता हूं कि आप चंपावत डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर में आए, आप मायावती आश्रम में आए, और जो विवेकानंद जी का प्रिंसिपल्स हैं, जो उनकी विद्या ज्ञान जो उन्होंने हमको सबको दिया है उसके बारे में जानना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ वेदांतास, आप वेद को, आप संस्कृत को, आप उनकी सोच को जानना चाहते हैं, देन दिस इज द प्लेस। आई वुड रिकमेंड टू एवरी बॉडी इफ वांट टू सी द प्रैक्टिकल डिविनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, दिस इज द प्लेस दैट यू मस्ट विजिट। और मैं आज के दिन में विवेकानंद जी के मिशन को, विवेकानंद मिशन का जो मठ है बेलूर में, और जहाँ जहाँ पर भी विवेकानंद जी के इस प्रकार के मेडिटेशन सेंटर है, सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमने जो 125 साल का इतिहास को हमने उससे जो सीखा है और आने वाले समय के लिए संकल्प लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमको उस दिशा में लेके जाएगा जहाँ पर यूनिटी है, इंटग्रेशन है, मानवता की और प्रकृति और पार बुद्धि की पूजा की जाती है। धन्यवाद। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का, बस कल से चाय, कल से जाए मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। देश के रक्षा मंत्री व भाजपा के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह 7 अप्रैल को लोहाघाट के दौरे पर आ सकते हैं। भाजपा के पूर्व विधायक व लोहाघाट विधानसभा संयोजक पूरन सिंह फरतियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय रक्षा मंत्री व भाजपा के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह 7 अप्रैल को लोहाघाट आ सकते हैं और लोहाघाट नगर में उनकी एक विशाल जनसभा प्रस्तावित है। फरतियाल ने बताया राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर 3 अप्रैल को भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। कार में
राजनाथ सिंह जी, हमारे रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता का यहाँ पर कार्यक्रम 7 तारीख को अभी टेंटेटिव है, और जैसे ही ये फाइनल होगा उसके लिए 3 तारीख को एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। उसमें जिले के प्रभारी दीपक जी भी आने वाले हैं, शायद हमारे लोकसभा प्रभारी और संयोजक यहाँ पर आएंगे, और उसके बाद उस 7 तारीख के लिए पूरा दिशा निर्देश और कार्यक्रम की विधिवत जो है उसकी सबको जानकारी दी जाएगी। उस कार्यक्रम को तय करने के लिए सबको जिम्मेदारी दी जाएगी, कोई उनको सुनने के लिए 7 तारीख को अगर कार्यक्रम फाइनल होता है, अभी टेंटेटिव है, जब फाइनल होगा उसके बाद ही इसमें पूरा सोचा जाएगा। उसके लिए हम अभी से प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन फाइनल होने के बाद ही उसमें राजनाथ जी को सुनने के लिए, क्योंकि एक लोकप्रिय नेता हैं, दो दो बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, बड़े बड़े पदों में रहे हैं, उनको सुनने के लिए स्वतः भी जनता, जैसे ही भी टेंटेटिव उनका कार्यक्रम हुआ तो लोग आज से ही उत्सुक हैं कि अगर ये कार्यक्रम लग जाता तो बहुत अच्छा होता, उनको सुनने के लिए आएंगे और निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। उस दिन बड़ी संख्या में लोग भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन ज्वाइन करने के लिए तमाम कोई ऐसी शर्त नहीं है, लेकिन अपराधी प्रवृत्ति के और जिसमें कोई गलत तरीके के मुकदमे उनपे उनको ज्वाइन नहीं कराया जाएगा। बाकी जो भी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति लेकर प्रभावित होकर अगर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो उनका स्वागत। आज के लिए बस इतना ही, उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागी लाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।